नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आटा गूंथकर फ्रिज पर रख लेना आपके लिए बन सकता है जानलेवा, बताएं अपनी घर की औरतों को। जी हाँ, लगभग सभी भारतीय अपने भोजन में रोटी को खास तौर पर शामिल करते हैं। दिन हो या रात, घर की महिलाएं गर्मा गर्म रोटी खाने के साथ परोसती हैं। इसके लिए कभी कभार महिलाएं आटे को पहले से ही गूंथ कर रख लेती हैं, ताकि जब रोटी खानी हो तो आटा गूंथने का झंझट ना रहे। ज़्यादातर महिलाएं आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं, और या फिर रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है उसे फ्रिज में रखा जाता है, ताकि रात के वक्त रोटी बनाने के लिए दोबारा आटा गूंथने में उसका समय बर्बाद ना हो। ऐसा करने वाली महिलाएं शायद ये नहीं जानती कि फ्रिज में गुथा हुआ आटा रखना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ यही आटा भूत प्रेतों को घर में बुलाने का कारण बन जाता है। वैसे हमें लगता है अक्सर गृहिणियों की आदत होती है कि वह आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख देती हैं, ताकि बाद में उसके प्रयोग कर सकें। कभी कभी तो आटा गलती से बच जाता है, लेकिन कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि दिन में दो बार आटा ना गूंथना पड़े तो ढेर सारा आटा गूंथ कर फ्रिज में पटक देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सेहतमंद होता है? विशेषज्ञों की माने तो आटा भिगोते ही तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उसमें रासायनिक बदलाव हो जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी स्पष्ट कहा गया है कि इसलिए फ्रिज का इस्तेमाल आटा रखने के लिए ना करें। कुछ ही दिनों में ऐसी आदत बन जाएगी कि जितनी रोटियां लगती हैं उतना ही आटा भिगोया जाए, और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ताज़े आटे की रोटियां ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं, और आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अगर आटा खमीरा हो जाए और ज़्यादा पुराना हो तो उसे ना खाएं। घर में गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखने की वृत्ति बन जाती है तो भूत इस पिंड का भ्रमण करने के लिए घर में आने शुरू हो जाते हैं, जो मृत्यु के बाद पिंड पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे भूत और प्रेत फ्रिज में रखे इस पिंड से तृप्ति पाने का उपक्रम करते हैं। जिस परिवार में इस प्रकार की आदत है वह किसी न किसी प्रकार के अनिष्ट रोग, शोक और क्रोध तथा आलस्य का ढेरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन भूत भोजन होता है, इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में रोग और परेशानियों से घिरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिससे आपने जाना कि फ्रिज में रखा हुआ बासी आटे को आप ना खाएं, उससे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।